पंजाब की सियासत किस ओर जा रही है, इसको समझना आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। वोटर को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, इसलिए पंजाब की राजनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हर सियासी पार्टी में कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा। आज बात करते हैं अकाली दल की, तो शिरोमणि अकाली दल ने संगरूर सीट से चाहे पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा को चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन उनके अपने पिता सुखदेव सिंह ढींढसा परमिंदर के चुनाव प्रचार में से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि सुखदेव सिंह ढींढसा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यदि परमिंदर चुनाव मैदान में आते हैं तो वह उसके लिए प्रचार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि संगरूर सीट से ही लोस चुनाव लड़ने वाले सुखदेव ढींढसा एक बार सांसद चुने जाने के बाद केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में बेअदबी मामलों में पार्टी का नाम आने से पार्टी से नाराज होकर उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे आज की राजनीति से किनारा कर लिया था। उन्होंने न सिर्फ खुद चुनाव लड़ने से इनकार किया था बल्कि परमिंदर को भी सलाह देते रहे हैं कि वो चुनाव ना लड़ें। पार्टी से टिकट मिलने के बाद पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा का कहना है कि पार्टी सुप्रीम है, पार्टी के फैसले से किनारा नहीं किया जा सकता, वह लोगों के पास पार्टी और अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे, मुझे उम्मीद है लोग जरूर विश्वास जताएंगे। सुखदेव सिंह ढींढसा 1972 में शिरोमणि अकाली दल से जुड़े थे। बादल के सबसे करीबी रहे ढींढसा परिवार की बात की जाए तो सुखदेव ढींढसा ने बुरे दौर में भी प्रकाश सिंह बादल का साथ नहीं छोड़ा, वह बादल के सबसे नजदीकी चहेतों में माने जाते रहे हैं। सुखदेव ढींढसा संगरूर लोकसभा से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनको 2 बार हार का सामना करना पड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में संगरूर सीट से सुखदेव ढींढसा कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंदर सिंगला से 40,872 वोटों से हारे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में सुखदेव ढींढसा और विजय इंदर सिंगला आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान से हार गए थे। 2004 के चुनाव में सुखदेव ढींढसा कांग्रेस के अरविंद खन्ना को हरा कर सांसद बने थे। अभी संगरूर लोकसभा हलके के लिए आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान, पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस ने पूर्व आप नेता और मशहूर गायक जस्सी जसराज को उतारा है। अब शिरोमणि अकाली दल ने परमिंदर सिंह ढींढसा का नाम ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कांग्रेस भी जल्द ही कैंडिडेट उतार सकती है। अब यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि सुखदेव सिंह ढींढसा अपने बेटे परमिंदर को चुनाव से दूर रहने की सलाह क्यों दे रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट 5 बारी MLA बन के 10 साल मिनिस्टर रह लिया, उन्हें आपका फैसला है। तो मैं तो नहीं कह सकता कि मेरी शुभ इच्छावों के नाल ने और आशीर्वाद भी नाल। बस वो इंडिपेंडेंट 5 बारी MLA बन के 10 साल मिनिस्टर रह लिया, उन्हें आपका फैसला है। तो मैं तो नहीं कह सकता कि मेरी शुभ इच्छावों के नाल ने और आशीर्वाद भी नाल। बस देखो जेड़ा अपने पिता का नहीं हो पा रहा वह संगरूर का हो जूगा। अगर पिता ने पिता दे करके ही उन्होंने अज सियासत दे विच एंट्री मिली है। पिता ने पहला मंत्री पद हंडाए तो बाकी वजीरियां खट्टिया ने, राज्यसभा की मैंबरी मिली है। अज मैनू तो लगता उन्होंने मननी चाहिए, जे नहीं मनी जेड़ा अपने पिता की नहीं मन रहा वह संगरूर की की मनूगा या संगरूर का की भला करूगा। नहीं जी मैं एक गल करी जाए तो पहला भी थोड़े को पिता हराया से हूँ की कहना चाहेंगे। नहीं जी देखो मैं नहीं हराया से, लोगों ने हराया से। सो इस बार अकाली दल का जो हालात ये कि कोई टिकट लैन वास्ते बंदा नहीं लभ रहा, 10 बंदे नहीं पूरे हो रहे उन्होंने। तो देखो जी सुखदेव सिंह ढींढसा जी ने पहले ही कहता कि मैं नहीं लड़नी, तो उन्होंने कहा कि मैं परमिंदर भी कहूँगा कि वह ना लड़े क्योंकि माहौल खराब है, माहौल ठीक नहीं है, लोगों ने दिलों से नफरत है। बेअदबी गुरु साहब की जो हुई उस बाद इन्होंने नाम आया परमिंदर ढींढसा भी कह रहे थे लड़ना तो नहीं मैं चाहता, पर पार्टी कहती है। सो जो हाफ हार्टली अद्धे मन जोड़ा आया ये तो मतलब पहले ही हार अपनी जी जेब पाई फिरता है। सो मैं तो उन्होंने बधाई दूंगा कि टिकट मिल गई, तो लोगों का सामना किमें करोंगे तो उन्होंने पता होगा। की देख रहे हो पटियाला TV, पटियाला TV जोड़े आप जी ने सुने पंजाब देश, हमेशा देखते रहो पटियाला TV।